Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. जब तक हमारा मन देह के साथ तादात्म्य करके रहता है तब तक मन से विचारों का शांत होना असंभव है। इसलिए जितनी साधना है, जितना ध्यान है, वो यहीं पर लगाना है कि देहात्म भाव की निवृत्ति कैसे होवे। पाना कुछ नहीं है। जब अध्यात्म में कुछ पाना है ये भ्रांति रहती है तब हम अध्यात्म के मार्ग पर चल ही नहीं पड़े। पाना कुछ नहीं है तो क्या क्या खोना है? खोना भी कुछ नहीं, पाना भी कुछ नहीं, खोना भी कुछ नहीं। माने क्या? पाना नहीं माने सबको खो देना, और खोना नहीं माने क्या? जब कोई वस्तु अपनी हो तब तो खोएंगे ना। आपके जेब के पैसे मैं कैसे खो सकता हूं? तो इस दुनिया में हमारा क्या है कि जिसको हम त्याग सकते हैं? कुछ भी नहीं। ये समझदारी जो है, इस समझदारी से जीना यही आध्यात्मिक जीवन है। और इसीलिए जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं ये मार्ग स्पष्ट अवन में रहे कि लक्ष्य देहात्म भाव की निवृत्ति है। अन्यथा व्यक्ति कल्पनाओं में भटकते रहता है कि मैं ध्यान के लिए बैठूंगा तो भगवान आएंगे, उसके बाद कोई लाइट दिखेगा और फिर कुछ मुझे बांसुरी की धुन सुनने को मिलेगी। ये सब मन के खेल है। जब हमारा मन दुनिया भर के सपने निर्माण कर सकता है तो ये भी निर्माण कर सकेगा, उसमें कौन सी खास बात है? लेकिन व्यक्ति उसी में फंसा रहता है। और इसीलिए कल हमने आसन की दृष्टि से देखा कि आसन को हम ऐसा रख दे कि देह के बाहर निकल जाए। उसी प्रकार से दूसरी जो स्थूल बात आती है वो है प्राणायाम को लेकर के। प्राणायाम को लेकर के बड़ी बड़ी चीजें लोग करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, प्राणायाम के विशेष प्रकार बताते हैं और फिर ये करने से ऐसा होगा और बड़ा फ्रेश लगेगा और बड़े दिव्य अनुभव आएंगे। ये इसका मतलब नहीं है, वो सब बाय प्रोडक्ट्स है। प्राणायाम का तात्पर्य हमारा मन और देह एक दूसरे से अलग हो जाए। ये एक दूसरे से अलग तीन प्रकार से होते हैं। एक तो अज्ञान में माने गहरी नींद में, और दूसरा कंपल्सरीली माने मृत्यु में, और तीसरा अध्यात्म में। तो ना तो हमको सोना है ना तो मरना है। तो इस समय हम देहात्म भाव से जी रहे हैं। अब ध्यान की प्रक्रिया की पराकाष्ठा क्या होगी? हमको देहात्म भाव से नहीं जीना है, देह के माध्यम से प्रकट होना है। जैसे मैं आपके सामने इस माइक के माध्यम से पहुंच रहा हूं, मैं माइक नहीं हूं, माइक के माध्यम से पहुंच रहा हूं। इसी प्रकार से हमको देह के माध्यम से जगत में प्रकट होना है। तो फिर समझ में आएगा कि देह के साथ तादात्म्य करेंगे तभी जाकर के ये सब दुनिया सत्य मानने लग जाती है।
फिर माँ बाप भाई बहन पति पत्नी ये सब सत्य होते हैं जब तक के देहात्म भाव है तब तक। इसलिए इस चक्कर से बचने के लिए ये बात स्पष्ट हो जाए मन में कि हमको देहात्म भाव की निवृत्ति ये जीवन का लक्ष्य है। अच्छा, अब कहाँ से शुरू करें? तो प्राणायाम की बात करते हैं। आज हम लोग रोज एक मिनट में 15 बार सांस लेते हैं, तो 24 घंटे में 216 बार सांस लेंगे। ये नॉर्मल है। योग शास्त्र के अनुसार हर एक देह जो बनता है वो कितने बार सांस लेगा ये इसका निर्णय है। जो योगी अनेकों साल जीते हैं वो इसी गणित को लेकर के चलते हैं। वो सांस लेना बंद करते हैं और इसीलिए उनकी उम्र बढ़ जाती है। लेकिन ये उम्र को बढ़ाना ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, वो भी देहात्म भाव की बात है। इसीलिए हमको ऐसी सांस लेनी है कि जिसके द्वारा हम देहात्म भाव से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाए। तो पहले समझ ले कि मन और देह इसका कैसा संबंध है। मन के थैले में देह का कद्दू रखा हुआ है। कल आपको बताया था स्पष्ट रूप से, मैं आपके बाहर हूं और आपको ज्ञान आपके अंदर हो रहा है और दोनों जगह मन ही है। जब मन किसी विषय को ग्रहण करता है तो उसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं, और जब इस विषय का ज्ञान होना है तो विषय को जानने वाला पैदा होना आवश्यक है। तो विषय, विषय को जानने वाला, फिर विषय का ज्ञान, ये तीन स्टेजेस है। जैसे विषय है माइक, ये माइक को कौन जान रहा? क्या बाकी का फर्नीचर जान रहा? नहीं, मैं जान रहा हूं। तो विषय माइक, इसको मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? कि यह माइक है। एक बार ये ज्ञान निर्माण हो गया तो फिर माइक की भी आवश्यकता नहीं, जानने वाले की भी आवश्यकता नहीं। अब ये ज्ञान फिट रहेगा मन में संस्कार के रूप में। इसीलिए यह माइक बाहर है, वहां मन ने वृत्ति व्याप्ति के द्वारा माइक को ग्रहण कर लिया, और वही मन अंदर है, देहात्म भाव में फंसा है, वहां भ्रांति निर्माण होती है, मैं माइक को जान रहा हूं, वहां भी वही मन है। तो तात्पर्य यही निकला कि मन अंदर बाहर दोनों जगह है, और मन के दृष्टि से अंदर बाहर इसकी कोई स्थिति नहीं है। जैसे आकाश कमरे के अंदर भी है बाहर भी है, तो आकाश के दृष्टि से देखे तो आकाश के लिए अंदर बाहर का कोई चक्कर नहीं। इसी प्रकार से हमको समझना है कि जैसे ये कमरा आकाश के अंदर है, इसी प्रकार से ये देह जिसके कारण अंदर बाहर की भ्रांति निर्माण हो रही है, ये देह भी मन में ही है। और जब तक के ये देह मन में रहेगा तब तक के मन पर देह का प्रभाव रहेगा। और प्रभाव क्या रहेगा? कि मन देह के संदर्भ से ही विचार करेगा। आप इसका अपने जीवन में अनुभव करें। जब कोई किसी के अपने बच्चे की बात करता है तो दूसरा व्यक्ति तुरंत अपने बच्चे के बारे में सोचने लग जाता है। कोई यदि अपने दुख की बात करता है तो व्यक्ति अपने दुख के बारे में सोचने लग जाता है। कोई यदि अपने यात्रा की बात करता है तो दूसरा कहता, हाँ मैं भी एक बार गया था। क्योंकि हमारा मन देह के संदर्भ के सिवा विचार नहीं कर सकता,
और जब तक इसमें फंसे हैं तब तक संसार जारी है। देखो महाराज, इसीलिए ये मन से देह का त्याग कर देना है, और ये हम करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। सुषुप्ति अवस्था में हमारा देह के साथ कोई तादात्म्य नहीं है, मन रहता है। उस समय मन की स्थिति क्या है? उस समय मन सार्वभौम हो जाता है। जो वैयक्तिक मन तैयार हो गया था देह के आकार को धारण करके, वो व्यक्तित्व हमने त्याग दिया और इस मन में यह देह पड़ा हुआ है, और उसी के कारण देह के सब चलन वलन और ब्लड सर्कुलेशन डाइजेशन चलते रहता है। देखो, अब हमको देह के आकार का त्याग करना है, कितना ही समझना है। अब इसके लिए क्या करना है? तो पहले समझदारी, कोई भी काम समझदारी से करो तो टिकता है। तुक्के से करो तो एक बार हो जाता है, दूसरी बार नहीं होगा। तो हम लोग दिन भर दुनिया भर का खाते रहते हैं, सुबह से शाम तक। जितना खाएंगे उसका होगा क्या? तो तीन बातें हो सकती है। यदि वो खाना डाइजेस्ट हो गया, एसिमिलेट हो गया, तो वो खाने का क्या होता है आगे पेट में जाने के बाद? एक भाग अन्न का हमारे जो बॉडी के टिश्यूज है उसको बनाने में काम में आता है, बिल्डिंग द बॉडी टिश्यूज। दूसरा जो भाग है अन्न का, हमारे शरीर को और मन को शक्ति प्रदान करता है। यदि आपको बहुत भूख लगी हो, दो चार दिन से भूखे हो, तो शरीर में भी शक्ति नहीं रहती और मन भी ढीला हो जाता है। तो शरीर और मन को शक्ति देने का कार्य मन करते अन्न करता है, दूसरा भाग। और तीसरा भाग जो है, जो शरीर के लिए अनावश्यक है, डाइजेस्टेड एक्सक्रीशन है, वो हमारे शरीर से बाहर फेंका जाता है। तो बाहर फेंका हुआ जो भाग है वो तीन प्रकार का है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैशियस। सॉलिड तो टट्टी के द्वारा निकल जाते हैं, लिक्विड्स पेशाब पसीने के द्वारा निकल जाते हैं, और जो गैशियस टॉक्सिन्स रहते हैं उनको निकालने के लिए हमने कभी विशेष प्रयत्न नहीं किया, और इसीलिए वो पूरा का पूरा हमारे खून के अंदर में सैचुरेट हो जाते हैं। और किसी भी लिक्विड में कोई सैचुरेशन हो जाए तो उस पदार्थ को वो अपने से बाहर फेंकता है। उसी प्रकार से हमारे खून में इतना सारा वो गैसियस टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको खून से बाहर फेंका जाता है, और वो चले जाते हैं हमारे दो हड्डियों के बीच में का जो जॉइंट है वहां पहुंच जाता है सब दोस गैशियस टॉक्सिन्स। इसीलिए आपके आयुर्वेद में उसको संधिवात कहते हैं। वात माने गैस, संधि माने जॉइंट। तो जितने भी जॉइंट के प्रॉब्लम्स है बुढ़ापे में, उसका ये मूल कारण है। और उसके कारण फिर ये सब टॉक्सिन्स वहां चले गए तो फिर वो हड्डियों के सर को खाएंगे, वहां जो कार्टिलेज डिस्क होगी तो उसको खाएंगे, वहां जो साइनोवियल फ्लूइड होगा उसको ड्राई करेंगे, और उसके कारण फिर सभी जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि उस टॉक्सिन्स के कारण। एक तो ये कारण है उसका। दूसरा ये है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे ब्लड में, खून में, वो हमारे मन को विक्षेपित करने का एक कारण बन जाते हैं। देखो, यदि किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो एकदम उसको बड़ा अटपटा लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। इसी प्रकार से किसी को जोर से पेशाब लगी हो और बड़ा प्रेशर बढ़ गया हो लेकिन जा नहीं सकते तो कितना अनकंफर्टेबल होता है। उससे भी हजार गुना अनकंफर्टेबल जब ये टॉक्सिन्स ब्लड में सैचुरेट हो जाते हैं, उस अनकंफर्टेबल कंडीशन के कारण हमारे मन में विक्षेप आने शुरू हो जाते। इसीलिए ये जो मन के विक्षेप है, इसका कारण एक तो देहात्मा भाव और दूसरा ये जो गैसियस टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए वो है। इनको निकालने के लिए प्राणायाम की प्रक्रिया है, जिसको कहते हैं नाड़ी शोधनम। देखो,
ये नाडी चोदरम शब्द पतंजलि का नहीं है, ये दूसरे याज्ञ और के स्मृति में आता है। तो हमको प्राणायाम के द्वारा ये जितने भी टॉक्सिन से धीरे धीरे निकाल देने हैं। जैसे रोज दिन में कम से कम 2-3 बार टॉयलेट जाना पड़ता है, पेशाब करनी पड़ती है, तभी हमको ठीक लगता है। उसी प्रकार से कम 2 बार सुबह में और शाम में 15-15 मिनट जरा डीप ब्रीदिंग करें, तो ये सब जो टॉक्सिन से अपने आप निकल जाते हैं। अब ये प्राणायाम के अनेक प्रकार है। एक तो है डीप ब्रीदिंग का, जो हम आपको बताएंगे। दूसरा है अनुलोम विलोम, कि उसमें फिर आप पहले बाएं नाक से ले लो हाथ हवा अंदर में, फिर बाएं नाक को बंद करो, दाहिने नाक से छोड़ो, फिर दाहिने नाक से अंदर ले लो, फिर बाएं नाक से छोड़ो। ये हो गया एक प्राणायाम। ऐसे 20-25 बार करो तो भी जो खून में जो टॉक्सिन से गैशियस वो बाहर फेंके जाते हैं। फिर उसमें अनेक प्रकार है, उन सबकी जानने की हमको इस समय आवश्यकता नहीं। इसलिए जब ये हम करेंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे एकदम सब टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे और आदमी को फिर थोड़ा हल्का, माने क्या, अब मन में विक्षेप होने की जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मन के विक्षेपों को 2-3 प्रकार से कम किया जाता है। पहले इंटेंसिटी, उसके बाद कितने विचार मन में आते पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट फॉर्मेशन वो कम हो जाती है, और तीसरी क्वालिटी ऑफ थॉट्स बदल जाती है। तो इंटेंसिटी ऑफ थॉट्स, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स, क्वालिटी ऑफ थॉट्स, ये तीन जब चेंज हो गए तब धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगेगा। ये इसका तात्पर्य है। और इसीलिए यह प्राणायाम की प्रक्रिया नियम से हमको करनी ही है, रोज कम से कम 2-3 बार। विशेष करके जब आप बैठो परमात्मा के सामने, ध्यान करने के लिए कभी मत बैठना। भगवान के सामने बैठोगे तो प्रभु से प्रेम करने के लिए बैठना। अब हम उनके गोद में जाके बैठे, गोद में बैठे तो फिर आप सब चक्कर खत्म हो गया। Now he is taking care of us। और दूसरी महत्व की बात, उसमें मैं निकल जाता है। जैसे छोटा बच्चा अपने आप में खेल रहा है, कूद रहा है, और जब कोई प्रॉब्लम आया तो जाके मम्मी के गोद में बैठ गया, बैठने के बाद सब खल्लास, अब मस्त हो गए। इसी प्रकार से ये ध्यान करने का चक्कर निकाल दे और जा करके प्रभु के गोद में बैठ ले। ये सब भावना का ही खेल है। जैस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति न दे कही तैसी, पूरा भावना का खेल है, करना कुछ नहीं है। तो हम जाके बैठे भगवान के गोद में और अब हम सिक्योर हो गए। अब यहां जो आपको बताया था उस प्रकार के पहले साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट करते हैं। तो पहले हम आपको ये प्राणायाम की प्रक्रिया बता देते, केवल सुनो, करो मत। जब हम बताएंगे करने के लिए तब करना। हमारी जो लंग्स है वो 2 भागों में बटी है, नीचे में ऊपर में। तो हम समझने के लिए कहेंगे पेट और छाती, समझने के लिए। तो जब हम हवा लेते हैं अंदर में, तो पहले जो पेट का भाग है उसमें हवा भर ले तो पेट फूलेगा, और फिर छाती को भर ले तो फिर छाती फूलेगी, और उसके बाद छाती से हवा निकाल दे पहले, पेट तो फूला ही रहेगा, छाती धीरे 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 कोलैप्स हो जाएगी, और फिर पेट को अंदर के ऊपर के ओर खींचे तो लंग्स पर काफी प्रेशर आ जाएगा, अब सब हवा बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से धीरे धीरे करना है, और ये धीरे धीरे करने से जितनी डीपली हम ब्रीथ करेंगे उतनी मात्रा में हमारे अंदर की जो
टॉक्सिन से वो निकल जाएंगे, इसके लिए प्राणायाम करते हैं। देखो हमारा जो डायफ्राम है इसने छाती को और पेट को अलग किया है। डायफ्राम के ऊपर में जो है वो है लंग्स और नीचे जो है वो पेट इत्यादि सब कुछ। इसको ध्यान में रखते हुए करना है। तो पहले हम आपको डेमोंस्ट्रेट करते हैं फिर आप करना। तो पहले अपने डायफ्राम को या पेट को अंदर करके ऊपर खींच ले तो पूरी लंग्स कॉम्प्रेस हो गई और फिर धीरे से पेट में हवा भर ले। अब पेट में भरने के बाद फिर छाती में भर ले। नेक्स्ट स्टेप, छाती से निकाली, अब आखिरी में पेट से। यह हमने हाथ आपको दिखाने के लिए किया, आपको दबाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से धीरे 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 करना है और ये करते थे मैं आवाज उवाज करने की कोई जरूरत नहीं। शांत प्रसन्न होके बैठे हैं, हमारा मन प्रसन्न है, यहां हम कुछ पाने के लिए नहीं आए, सब खोने के लिए आए हैं। हम प्रभु की गोद में हैं और हमारे हृदय में हमारे भगवान और गुरु महाराज विराजमान हैं। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, गुरु जी हमको मार्गदर्शन करते हैं, दोनों अंदर से ही। इस समय हम नोबडी, पूरा जो भूतकाल है उस भूतकाल को हमने त्याग दिया है। इसीलिए नोबडी। अब ध्यान के बाद क्या करेंगे इसका कोई भी संकल्प ना ले। अब प्रसन्नता से जैसे बताया वैसे धीमे धीमे प्राणायाम शुरू कर।
आप जारी रखें, हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। जितना समय सांस को अंदर लेने में लगता है उतना ही बाहर फेंकने में लगे, और ये रिदम से तैयार होगा। गिनती मत करना, 1 2 3 4, फिर मन पैदा हो जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में ये अटपटा लगता है कि पहले पेट भर ले, फिर छाती, और फिर उल्टे क्रम से हवा निकाल दे, लेकिन प्रयास से, अभ्यास से संभव है। ये जब चल रहा है तो अभी हमको स्पष्ट रूप से ये अनुभव होता है कि हम देह को और उनके प्राणों के आवागमन को अपने से अलग रूप में देख रहे हैं। यहाँ से शरीर से अलग होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। क्योंकि हम शरीर से अलग हो रहे हैं, इसीलिए शरीर के अंदर में कुछ नहीं होगा, नहीं तो उसी में फंस जाएंगे कि अंदर कुछ हो रहा है, सर भारी हो गया, कुछ नहीं होगा। आप बाहर हो, आपको शरीर से कुछ लेना देना नहीं। अब नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, क्योंकि शरीर को हमने अलग कर दिया। अब ये मन को विचार करने के लिए कोई संदर्भ ही नहीं है। क्योंकि हमारा मन अब समष्टि मन में लीन हो गया, और हम जो भी है अब मन के विचारों से परेशान नहीं हो रहे। अब यहां मन पुरानी आदतों के अनुसार अपने आप से बोलना शुरू करेगा। तो यहां हमको दृढ़ता से नियम लेना है। हम
अपने आप से नहीं बोलेंगे। ये भूलना मत, आप देह के बाहर हो। इसलिए आपका कोई आकार नहीं, आकार देह का। और मन जब देह के आकार को ग्रहण करता है तो विचारों का संदर्भ निर्माण हो जाता है। अब हम मन और देह, ये तीनों की स्थिति स्पष्ट हो जाए, पहले हमारा तादात्म्य देह के साथ था तो उसी चक्कर में फंसे, अब तादात्म्य मन के साथ है और मन ने देह से अपने आप को अलग कर लिया। तो विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। बिना प्रयत्न के मन देह से अलग हो गया, माने अब हमारा व्यक्तित्व समाप्त हो गया। इस समय हम केवल सत्ता रूप से ही है। और इसको हम जानते हैं, यह चेतन सत्ता, यह चिन्मय सत्ता अपना स्वरूप है। विचारों के साथ झगड़ा नहीं करना,
उनके प्रति 100% उदासीन रहना है।
विचारों का आना एकदम बंद नहीं होता। विचारों के साथ तादात्म्य इसको छोड़ना है और उसके प्रति एक ही उपाय है, उदासीनता। कोई भी विचार आवे, विचार अच्छे बुरे नहीं होते, वो अपना काम करके चले जाए, हम अपने आराम से ना उसको लेबल करें, ना उसके साथ बह जाए। विचार विचार ही है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। इस अभ्यास से धीरे धीरे अनेक जन्मों के जो हमारे संस्कार है वो शांत हो जाते हैं और प्रभु की दया से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हम देही, देह से अन्य है। जब हमारा देह के साथ कोई संबंध नहीं तो जगत का संग्रह और संबंध इनसे भी कुछ लेना देना नहीं। यह ज्ञान की निष्ठा प्रकट हो जाती है और इस निष्ठा में जीना, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। धीरे से सांस गहरी लेना 2-3 बार और देख लेना कैसा अपना मन देह के आकार को धारण कर रहा है। हाथ पैर की उंगलियों को थोड़ा हिला लो, अब ये भ्रांति पूरी हो गई, हम देह के अंदर है और जगत देह के बाहर है। यहां से फिर संसार शुरू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।